भाई आज आपको लेके आए हम एग्री जोन की शॉप के ऊपर, और यहाँ पर भाई एग्री जोन की स्टॉल लगी हुई है। तो भाई आज आपको ना लेजर लेवलर दिखाएंगे। लेजर लेवलर वैसे आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन भाई जो एग्री जोन के जो लेटेस्ट जो मॉडल है जो अभी लॉन्च हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। भाई यहाँ पर जो है देखो डेमो लगे हुए हैं, और तीनों जो मॉडल है तीनों मॉडल के बारे में अपने बात करेंगे। अपने साथ सर है, सर से भी अपने बात करेंगे, गुरप्रीत जी अपने साथ, तो इनका पूरा परिचय करेंगे भी। इनका जो है कंपनी के साथ ये किस पद के ऊपर जुड़े हुए हैं, और जो है ना भाई ये वीडियो जो आप देखेंगे ना बहुत ही आपके लिए नॉलेजेबल होने वाली है। एग्री जोन के बारे में जितनी भी जो भ्रांतियां है बाजार के अंदर वो सब अपने दूर करेंगे, और साथ में भाई एक नया मॉडल जो है ना एग्री जोन का भी लॉन्च हुआ जो भाई वाईफाई से चलता है, और ऊपर का जो आप देख रहे हैं ये भाई सैटेलाइट से जुड़ता है। भाई लगभग 46 सैटेलाइट फिलहाल इस टाइम इसके साथ जो है अभी कॉन्टेक्ट के अंदर आए हुए हैं। तो पूरी जो है इन मॉडल्स के बारे में अपने बात करेंगे, तो भाई वीडियो के अंदर लास्ट तक जुड़े रहना। तो सर अपना थोड़ा परिचय दीजिए आप। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है और मैं डिजाइन हेड हूँ एग्री जोन में। अच्छा, सबसे पहला ये नॉर्मल सेट है। अच्छा, इसके अंदर ये नॉर्मल सेट है, इसके अंदर वाईफाई नहीं आता। दूसरा हमारा जो लेटेस्ट अभी चल रहा है नई टेक्नोलॉजी का जो किसी सेट में नहीं आता। अच्छा, ये है हमारा वाईफाई। वाईफाई के अंदर क्या है, आपका ट्रांसमीटर जहाँ से कंट्रोल बॉक्स से ऑन ऑफ हो जाता है। अच्छा, आप जहाँ से ऑन कर सकते हो तो आपका ट्रांसमीटर ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के ही ऑन हो जाएगा। मतलब आपको जब ट्राइपॉड के ऊपर आप जब आप अपना ट्रांसमीटर जो लगा लेंगे उसके बाद आपको ट्रैक्टर से उतरने की जरूरत नहीं है, वहाँ से ऑन हो जाएगा। अच्छा, वहीं से ही ऑन हो जाएगा। इसमें जो ये पहले का जो मॉडल था इसके अंदर आपको पहले ट्रैक्टर से उतरकर जो है इनको यहाँ से देखिए यहाँ से ऑन करना पड़ता था। ट्रैक्टर के ऊपर ऑन करना पड़ेगा, ये यहाँ से ऑन करना पड़ता था। और अब भाई इसके ऊपर जो है ना देखिए ये सिस्टम भी है, और ये जो ट्रैक्टर के ऊपर जो सिस्टम लगता है ड्राइवर के बिल्कुल पास कंट्रोल वाला, उसके अंदर ये जो ऑन का बटन है इससे आप जो है पूरा कंट्रोल यहाँ से कर सकते। और दूसरी इसमें ऑप्शन क्या है, कुछ दिनों में क्या है धूल मिट्टी ज्यादा होती है, अंधेरी वगैरह आती है, तो हमने एक ऑप्शन और दी है, इसमें विंडी के ऑप्शन है। अच्छा, ये विंडी विंडी ऑप्शन है, इससे क्या होता है इसकी रेंज बढ़ जाती है, इसके आरपीएम बढ़ जाते हैं तो इसकी रेंज नहीं कटती। अच्छा, अगर जैसे कि अपने चलती हवा चलती है जो अंधेरी ज्यादा, हाँ, हवा तेज हो जाए या धूल मिट्टी ज्यादा हो जाए उससे रेंज कटने लगती है। बिंडी के ऑप्शन है, इससे आरपीएम तेज हो जाते हैं और रेंज नहीं कटती। अच्छा, बहुत अच्छे दो ऑप्शन हमने इसमें दिए हैं और किसी सिस्टम में नहीं आते जो मार्केट में जो और अवेलेबल दूसरी कंपनी सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम है ये वाईफाई सिस्टम किसी में नहीं आता। अच्छा, किसी में नहीं आता, में आता है। तो भाई बड़ा ही शानदार सिस्टम है ये भाई, जो क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो विंडी का बटन है इसको आप दबा देंगे तो भाई जितनी मर्जी तेज हवा चले, और इससे क्या होगा जो ये जो ट्रांसमीटर है इसके ऊपर ये जो घूम रहा है इसके आरपीएम जो है ना ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं, जिससे कि इसकी जो रेंज है और जो आपका सिस्टम है उसके अंदर जितनी भी रेंज जो आ रही है उसके अंदर कोई भी तरह की प्रॉब्लम जो है उससे इसके अंदर नहीं आएंगी। और भाई ये ना बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि अब तक और किसी भी कंपनी ने मार्केट में नहीं उतारी है। ये भाई वाईफाई सिस्टम है। दूसरी चीज क्या है, किसी की रेंज नहीं पकड़ता। अच्छा, दूसरे किसी की सिस्टम की रेंज नहीं पकड़ता, कोई तार ऊपर से लग रही हाई वोल्टेज की, किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई डिस्टर्ब नहीं है, कोई दीवार आ जाए, कोई दरख्त आ जाए, कुछ नहीं, इसको कोई रेंज नहीं करती इसकी। वाह भाई, बड़ी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है भाई। इसके अंदर देखिए आपको जो पूरा सेट मिलेगा ना उसके अंदर एक तो ये जो ट्राइपॉड पे लगेगा, और ये दो एंटीना है, इन दोनों एंटीना में से एक इस छोटे ट्राइपॉड में भाई लग जाएगा, और ये जो सिस्टम है ये ड्राइवर के पास ट्रैक्टर के पास कंट्रोल करने में ट्रैक्टर के ऊपर रहेगा भाई ये, और ये ना हाँ दो जो है वो उधर ये जो आप देख रहे हैं वो मॉडल जो पड़ा है उसके ऊपर भाई ये इसके लिए दिया हुआ है तो उसके ऊपर लगेगा। तो भाई इस तरह से भाई आप जो इससे सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाएंगे तो 3 किलोमीटर तक की रेंज है भाई। ये अलग अलग रेंज के अंदर है, इनकी प्राइस रेंज भी भाई अलग अलग है। तो अपने अब देखते हैं इसकी बकेट्स के बारे में अपने बात करते हैं। तो ये कितने फुट की बकेट है सर? 9 फुट की बकेट आई है। हाँ, ये हमारे आप देखोगे जितने भी लेजर आपने और भी देखे होंगे सबसे अच्छा वाला खूबसूरत दिखने वाला सबसे मतलब अच्छा ये आपकी इसकी जो मोरनी जो हम इसको ड्रॉवर बोलते हैं। अच्छा, ये देखो आप देखने में सिंगल पीस लगती है। हाँ, सिंगल पीस लगती है एकदम बढ़िया, उसमें कहीं आपको वेल्डिंग नहीं दिखेगी, कोई भी तरह की वेल्डिंग नहीं, बढ़िया फिनिशिंग है। कहीं भी वेल्डिंग करने का पर्पज क्या है, वेल्डिंग में क्या है जंग बहुत जल्दी लगती है। अच्छा,
अगर वेल्डिंग बाहर होती है ना उसमें जंग बहुत जल्दी लगती है, जंग ना लगे तो उसको सिंगल पीस में बनाने की कोशिश की है। अच्छा, जंग से बचाने के लिए। दूसरा देखो उसका पेंट देखो, कूली पाउडर कोटिंग है, कूली पाउडर कोटिंग है भाई, बड़ा जबरदस्त पेंट इसके अंदर जो है किया हुआ है। दूसरा इसकी बकेट देखो सर, इसका जो बकेट का डिजाइन है जो हमने बनाया है, इसका जो एंगल दी है, एंगल जो मिट्टी जहाँ से आए और एकदम यहाँ से घूमती हुई निकल जाए, घूमती हुई ऊपर लोड ना आए, तेल कम खाए। अच्छा, तो भाई ये जो जीपीएस का जो सिस्टम आपको बताया था, जो पीछे अपने देखी है वीडियो के अंदर आपने देखा होगा, जो सिस्टम जीपीएस से सीधा सैटेलाइट से कनेक्ट होता है, उसकी ये जो है बकेट यहाँ पर पड़ी हुई है, तो इसके बारे में अपने पूछेंगे सर। इसके अंदर जो गियर वाला सिस्टम है वो तो है सर, इसमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, कोई जरूरत नहीं है, उतर जाता है इसमें। अच्छा, दो एंटीने जहाँ पे लग जाते हैं जो हमने वहाँ पे दिखाए हैं, दो एंटीने जहाँ पे लग जाएंगे बस, उसके बाद सारा कंट्रोल आपका ट्रैक्टर के ऊपर ही है, सारा ट्रैक्टर से ही कंट्रोल होगा, कंट्रोल जो है ट्रैक्टर से ही होगा, सैटेलाइट के ऊपर नीचे अपने आप सारा कंट्रोल होगा। तो भाई ये जो बनावट है सेम जो पीछे हमने बकेट देखी थी उसी तरह की बनावट है, उसी तरह का मटेरियल इसके अंदर जो है लगा हुआ है, बस इसमें फर्क इतना है कि इसके ऊपर जो गियर है वो इसके अंदर नहीं लगा हुआ भाई, सीधा सैटेलाइट से जो है ये अपने आप जो है सेट करता है, और 3 किलोमीटर की रेंज तक, भाई बहुत बड़ी रेंज है इसकी, 3 किलोमीटर रेंज तक, चाहे जितनी तेज हवा चलती हो, चाहे जितनी मर्जी आप उसके सामने दीवारें वगैरह कुछ भी आ जाए, या पास में 3 किलोमीटर के अंदर और कोई लेजर लेवरल भी अगर चल रहा है तो उसकी रेंज भी वो जो है ना नहीं पकड़ेगा भाई। तो काफी शानदार टेक्नोलॉजी जो इन्होंने दी है। तो भाई आप जो है ना ये वीडियो के अंदर आप कमेंट करके बताना आपको जो ये लेजर लेवलर कैसा लगा, और एग्रीजोन की ये टेक्नोलॉजी आपको कैसी लगी, और भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह की वीडियो भाई लगातार आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।